स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी थर्ड यूनिट, जिसका आज हम लोग पहला टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज योर इटरेशन एंड लूप्स। चलो पहले तो इनका मीनिंग ही समझ लेते हैं, है ना। अब दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, एक इटरेशन आया, एक लूप आया। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटरेशन, इटरेशन का क्या मतलब है? इटरेशन का मतलब होता है चलना, यात्रा करना, चलते रहना। कब तक चलते रहना? जब तक कि हमें अपना डेस्टिनेशन ना मिल जाए, है ना। ये हो गया इटरेशन। और लूप क्या है? लूप का मतलब होता है चक्कर, एक गोल गोल चक्कर काटते रहना है, है ना। फील्ड है, रेस लगानी है, अब रेस लगाते रहो। कब तक? जब तक तुम्हें जितनी इंस्ट्रक्शन दी गई है, जब तक वो खत्म ना हो जाए। तुमसे कहा गया भैया 10 चक्कर लगाने हैं इस राउंड के, तो क्या है, अब चक्कर काटते रहो। कब तक? जब तक 10 चक्कर पूरे ना हो जाए। ये है लूप, ठीक है। सिर्फ दो ही वर्ड हैं, चलते रहना। कब तक चलते रहना? चक्कर में चलते रहना। इसलिए कहा गया इसको इटरेशन एंड लूप्स। अब जो ये लूप होते हैं भैया, ये लूप है हमारे पास 3 तरीके के। कौन कौन से? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ये हैं 3 तरीके के आपके पास लूप। ये जो लास्ट वाला लूप है, डू व्हाइल लूप, मतलब हमारे सिलेबस में है इसलिए मैं इसे आपको पढ़ाऊंगा अभी। बट अ गुड प्रोग्रामर्स नेवर यूज ऑफ डू व्हाइल। जितने भी अच्छे प्रोग्रामर्स होंगे वो डू व्हाइल का यूज ना के बराबर करते हैं। रेयरली इफ, जहां कुछ वो नहीं बच रहा है, 1% अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो यूज होता है, वरना डू व्हाइल का यूज प्रोग्रामिंग्स में बहुत कम यूज करा जाता है, ठीक है। ज्यादातर हमारे लूप चलते हैं ये। अब कहोगे सर ये लूप अलग अलग क्यों है? भाई लूप का मतलब क्या था? चक्कर, अभी तो मैंने बताया चक्कर। अब ऐसा भी तो होता है भैया, 100 मीटर का ट्रैक है, एक 200 मीटर का ट्रैक है, 600 मीटर का ट्रैक है, ये अलग अलग ट्रैक हैं, चक्कर छोटे बड़े हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक। तो अब हम इनको चलाना सीखते हैं। तो आज हम अपना सबसे पहला लूप स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर फॉर लूप। चलो जी देखते हैं फॉर लूप को। देखो पूरी प्रोग्रामिंग की जान है ये यूनिट। आप पूरी प्रोग्रामिंग जो सीख रहे हो ना, अब तक तुमने क्या सीखा है? बेसिक से थे, स्प्रिंट कर लिया, स्कैन कर लिया, कंडीशन लगा ली। अब ये मान के चलना कि ये जो आपकी थर्ड यूनिट है, ये आपकी इस पूरी प्रोग्रामिंग की जान है। इसी यूनिट में है सब कुछ। फॉर लूप आप यहीं पढ़ने वाले हो, एरेज आप यहीं पढ़ने वाले हो, स्ट्रिंग आप यहीं पढ़ने वाले हो, है ना। तो एक ये यूनिट भी बड़ी है और इसका सारा का सारा कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। फॉर लूप का सिंटेक्स देखें, सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है भैया? इसको हम लिखते हैं ऐसे, फॉर, फॉर के अंदर स्टेटमेंट, सेमीकॉलन, कंडीशन, सेमीकॉलन, अगेन स्टेटमेंट, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज योर लूप। चलो इसको आप स्टेटमेंट 1 मान लो, इसको आप स्टेटमेंट 2 मान लो। स्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, वो इंक्रीमेंट करना भी हो सकता है, वो प्रिंट करना भी हो सकता है। स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट कुछ भी हो, ठीक। देखो अब चलता कैसे, सबसे पहले आया यहाँ पर, यानी सी जो हमारा कंपाइलर है वो इसको कैसे पढ़ेगा? उसने देखा अच्छा फॉर है, फॉर का मतलब उसको समझ में आया कि ये एक लूप है। देन स्टेप 1, स्टेप 1 पे क्या हुआ? कुछ भी जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो गया। देन कंडीशन, सेकेंड स्टेप, कंडीशन चेक करो जी। कंडीशन अगर हुई ट्रू तो आप आ जाइए लूप के अंदर। यहां पे आपने जो भी कुछ काम करने के लिए इसको कह रखा है वो सारा काम कर देगा ये। इसके बाद दिस इज योर स्टेप नंबर 3। अब आप जाओगे दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था यहाँ पे, इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4, सॉरी आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू है फिर से अंदर आ गया, सारा काम करा फिर यहीं चला गया, फिर कंडीशन फिर अंदर। यानी अब ये क्या होगा? चक्कर काट रहे थे अभी। कब तक काटता रहेगा? जब तक ये कंडीशन रहेगी ट्रू। जैसे ये कंडीशन हुई फॉल्स,
फॉल्स होते ही लूप के डायरेक्ट बाहर। क्या समझ में आया? ये समझ में आया जब हमें एक ही काम बार बार करना हो, जब हमें एक ही काम बार बार करना हो तो हम लूप का यूज करते हैं। गॉट इट? चला के दिखाऊं लूप? चलो जी देखते हैं। डिजायर्ड आउटपुट देखते हैं हमारा क्या है। डिजायर्ड आउटपुट मतलब अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? वो कहेंगे जी सर एक प्रोग्राम बनाओ, राइट अ प्रोग्राम फॉर गिविंग दिस आउटपुट। जो भी मैं यहाँ पे आउटपुट दे रहा हूँ ये आउटपुट आना चाहिए आपके उस प्रोग्राम का। सिंपल सा पहला प्रोग्राम 1 2 3 4 5। मैंने आपसे कहा कि 5 स्टार्स एक लाइन में प्रिंट हो जाएं भैया, एक ऐसा प्रोग्राम बना के आप मुझे दे दीजिए। अब तुमने कहा सर इसके लिए लूप की क्या जरूरत है, हम तो इसे डायरेक्ट प्रिंट एफ में भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं जी प्रिंट एफ और इसके अंदर 1 2 3 4 5 स्टार्स करें और खेल खत्म। आउटपुट आ जाएगा यही, 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब ये 5 स्टार नहीं होंगे, ये होंगे 100 स्टार। कितनी बार स्टार लगाने वाले हो यार, काम बड़ा हो गया ना। और एक ही काम बार बार करते रहो, बार बार स्टार 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 प्रिंट करना और मुश्किल का काम। इस काम को इजी करने के लिए आए थे लूप। जब हमें एक ही काम बार बार करना पड़े तो हम लूप का यूज करते हैं। अब देखो कैसे लूप चलेगा। मैं ऊपर सारी वो नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट प्रोग्राम चला रहा हूं आपका। और i++ का मतलब i में एक का इंक्रीमेंट। ये लीजिए सर प्रोग्राम खत्म। क्या हो गया जी, कैसे चला? ड्राई रन कर लेते हैं इसको। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था ये सबसे पहले आएगा फॉर पर। फॉर को देखते इसको समझ में आया कि अच्छा ये तो भैया फॉर लूप है। देन इट विल गो ऑन दिस i इक्वल्स टू 1। i की वैल्यू कितनी हो गई? i की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? असाइनमेंट ऑपरेटर। 1 की वैल्यू 1 चला गया i में, i की वैल्यू हो गई 1। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 कंडीशन चेक, क्या एक छोटा है 5 से? बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू, ट्रू होते ही आ गए आप लूप के अंदर और क्या प्रिंट कर दिया? हमने प्रिंट कर दिया स्टार। भाई इसके अंदर प्रिंट एफ लिखा हो तो डायरेक्ट इसने प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेप i++। i++ मींस i की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट। i की वैल्यू कितनी है? 1। एक का इंक्रीमेंट होगा कितनी हो गई अब? 2। अगेन स्टेप 4, क्या 2 5 से छोटा है? हाँ जी बिल्कुल छोटा है। कंडीशन ट्रू, ट्रू होते फिर से अंदर आ गया। अंदर आते ही दोबारा से प्रिंट की कमांड मिल गई, एक और स्टार प्रिंट। अगेन i++ 3, 3 छोटा है 5 से। कंडीशन ट्रू, अंदर आए दोबारा से प्रिंट, एक का इंक्रीमेंट। 4 छोटा है 5 से, अंदर आए प्रिंट इंक्रीमेंट। 5 इक्वल टू है 5 के, अंदर आए अगेन प्रिंट। ऊपर गया 6, कंडीशन क्या 6 5 से छोटा है? नहीं। बराबर है? नहीं। कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स होते लूप के बाहर। सॉरी एक्स्ट्रा फॉल्स लग गया भाई। और ये लीजिए दिस इज योर डिजायर्ड आउटपुट, आगे 5 स्टार। अब अगर तुमसे कोई ये कहते भैया ऐसे 50 स्टार प्रिंट करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्या करना है सिर्फ इस 5 को उठा के 50 कर दो, डन। कंडीशन ही तो बढ़ानी है, 50 इसके आगे एक और 0 लगा देना, 500 भी प्रिंट कर देगा। गॉट इट? ये था लूप का खेल। चलो एक और प्रोग्राम देखते हैं इसी लूप का। मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20।
मैं चाह रहा हूँ ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट हो, ये आना चाहिए स्क्रीन पे। सोचो आप कैसे ला सकते हो, है ना। सबसे पहला काम फ्लो चार्ट, पहला काम लॉजिक बनाना। क्या दिखाई पड़ रहा है? हर बार दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले दो प्रिंट हो रहा है, फिर चार हो रहा है, फिर छः हो रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 20 तक जा रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? दो से शुरू हो रहा है। चला दो प्रोग्राम। चलो जी, और I इक्वल्स टू टू, दो से स्टार्ट कर दिया। कहाँ तक जाए? जब तक I की वैल्यू छोटी या बराबर हो 20 के, और I में हर बार दो का इंक्रीमेंट होता रहे। और अंदर आकर क्या प्रिंट करवाना है? प्रिंट एफ स्लैश एन, अगली लाइन में इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाए, किसकी? आई की। खेल खत्म। चलो जी रन करके देखें, बिल्कुल देख लेते हैं। पहला स्टेप आई की वैल्यू कितनी हो गई? दो हो गई। दूसरा स्टेप, क्या दो 20 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू। ट्रू होते ही अंदर आया, अंदर आते इसने क्या करा? आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, दैट इज टू। प्रिंट हो गई, ऊपर गया। आई इक्वल्स टू आई प्लस टू, आई की वैल्यू कितनी है? टू। टू प्लस टू इक्वल्स टू फोर, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई अब? चार 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। अंदर आया, चार प्रिंट कर दिया, फिर दो इंक्रीमेंट कर दिए, छः। छः भी छोटा है, सा आठ भी छोटा है, 10, 12, 14, 16, 18, 20। जब इसने 20 प्रिंट करा हो गया, उसके बाद ऊपर गया 20 प्लस 2, दैट इज 22, 22। इफ 22 इज लेस देन और इक्वल्स टू 20, नो, कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होते लूप के बाहर, एंड हियर इज योर आउटपुट। फॉर लूप समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो फॉर लूप में क्या है? पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और अब ये यहीं से बार बार रिपीट होता रहेगा। अब ये चलता रहेगा कब तक? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक। ठीक, चलो अब इसी प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोग्राम समझाता हूँ। तो जी सबसे पहला काम अपना कंपाइलर खोल लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारा कंपाइलर आ गया। सबसे पहला काम हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, अंदर आइए, आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, दैट इज int i। क्यों लेना पड़ेगा? लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो डिक्लेरेशन तो जरूरी है, बिना डिक्लेयर करे आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। स्क्रीन क्लियर। फॉर i इक्वल्स टू, चलो 2 का टेबल ही प्रिंट कर देता है, i इक्वल्स टू 2, i इज लेस देन इक्वल्स टू 20, देन i इक्वल्स टू i प्लस 2। लूप के अंदर आइए, लूप के अंदर आकर आप यहां पर कर दीजिए प्रिंट एफ स्लैश एन, स्लैश एन मतलब अगली लाइन में क्या प्रिंट हो? इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो, किसकी हो? आई की हो, और ये लीजिए खत्म। इन लास्ट वी हैव टू राइट गेट सी एच, सेव योर प्रोग्राम लूप वन डॉट सी, ऑल्ट एफ नाइन कंपाइल, जीरो एरर, कंट्रोल एफ नाइन, प्रोग्राम रन, एंड हियर इज योर आउटपुट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब देखो मैं क्या कर दूं, इसे 20 की जगह कर दूं 40, तो क्या होगा? ये लो जी 40 तक कर देगा। मैं अगर ये स्लैश एन हटा दूं तो क्या होगा? उसने एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया, तो स्लैश एन का क्या काम था? नेक्स्ट लाइन में आना। और मैं अगर यहां पे ये स्पेस ना दूं, देन व्हाट विल हैपन? ये देखो स्पेस हट गया। ठीक, यहां पर स्लैश टी का यूज करो, तो स्लैश टी किस लिए था?
टैब एक साथ कई सारे स्पेस देने के लिए, या आपको छह स्पेस एक साथ देने हो तो आप स्लैश टी का यूज कर सकते हो। डन। तो फॉर लूप चल रहा है, समझ में आ गया फॉर लूप। ये लीजिए, अब फॉर लूप का एक प्रोग्राम आपको देते हैं, है ना। अब क्या प्रिंट करना है आपको, आपको एक काम करना है, हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि हमारे पास कोई भी एक चार अंकों की एक डिजिट थी और हमें क्या करना था, उसके सारे उस नंबर को रिवर्स करना था। ये हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया था जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, मॉड्यूलस ऑपरेटर की हेल्प से, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से। लेकिन वहाँ पे क्या था, हमें ये पहले से पता था कि चार डिजिट का कोई नंबर होगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन हटा दी हमने कि अब हमें ये नहीं पता कितने डिजिट का नंबर होगा, कोई भी नंबर है उसका रिवर्स हो जाए विद द हेल्प ऑफ लूप। ठीक है, मैं इसका सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, प्रोग्राम हम इसका अगली क्लास में करेंगे। मैं भी आपको सिर्फ इसका लॉजिक समझाऊंगा, आप इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करिएगा, प्रोग्राम बनाइएगा और बना के इसको हमें कमेंट के माध्यम से बताना कि इसका आउटपुट क्या है, प्रोग्राम का कोड क्या है। मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे बनेगा। कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, 25632 कोई भी नंबर है, इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम, यहाँ और ठीक से समझ में आएगा। मेरे पास एक नंबर है x, ठीक, इसकी वैल्यू है 2635, इसको क्या करो, रिवर्स करना है, रिमाइंडर निकाल दो जी 10 से डिवाइड करके, रिमाइंडर क्या निकलेगा 5, रिमाइंडर निकालो, जेड में जोड़ो और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, रिमाइंडर निकालो, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, जेड में जोड़ो और 10 का मल्टीप्लाई कर दो, जेड की वैल्यू चेंज हो गई। अब x की वैल्यू चेंज कर दो, 10 से डिवाइड करो, क्वेश्चन आ जाएगा 263, अगली बार इसको फिर 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो, जेड में जोड़ो, 10 का मल्टीप्लाई, x की वैल्यू चेंज, रिमाइंडर निकालो, जेड में जोड़ो, 10 का मल्टीप्लाई, x की वैल्यू चेंज, रिमाइंडर निकालो। अब कहोगे सर इसका रिमाइंडर कैसे निकालें, इसका रिमाइंडर ऐसे निकालेगा कंप्यूटर, जब 2 को 10 से डिवाइड करेगा 10 जीरो जा जीरो रिमाइंडर विल बी योर 2, रिमाइंडर निकालो, जेड में जोड़ो, 10 का मल्टीप्लाई, वैल्यू चेंज, लूप फॉल्स, बाहर आ जाओ, बाहर निकल के जो भी आपकी जेड की वैल्यू है इसको 10 से डिवाइड कर दो, जो भी क्वेश्चन आए उसको सेव कर लो, 5363 5363, आ गया ना इसका रिवर्स, हो गया। तो लूप का क्या काम आया, जब हमें एक ही काम बार बार करना पड़े, यहाँ पे एक ही काम कौन सा बार बार हो रहा है, हर बार रिमाइंडर निकल रहा है जेड में जुड़ रहा है 10 की मल्टीप्लाई, हर बार रिमाइंडर निकल रहा है जेड में जुड़ रहा है 10 की मल्टीप्लाई, रिमाइंडर निकला जेड में जुड़ रहा है 10 की मल्टीप्लाई, और हर बार x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, हर बार 10 से डिवाइड हो रहा है और क्वेश्चन जो भी आता है वो हर बार x की वैल्यू नहीं बन जाती है। और लूप कब तक चल रहा है, जब तक कि x की वैल्यू या नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 होते ही आपका लूप फॉल्स। तो इतना समझ में आया, ये मैंने आपको दिया है कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक है, ये उसको बनाने का तरीका है। अब इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे, इसका कोड कैसे बनेगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक, तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, आज की इस क्लास को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।